प्रयागराज मंडल में दशहरा और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मंडलायुक्त एवं पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैदल गश्त की। इस दौरान कमिश्नर, डीसीपी और एडीसीपी ने सिविल लाइंस क्षेत्र में भ्रमण कर स्थानीय बाजारों और प्रमुख चौराहों पर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने इस विशेष गश्त के माध्यम से सुरक्षा की स्थिति को प्राथमिकता दी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीसीपी अभिषेक भारती ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासन और पुलिस पूरी सतर्कता के साथ त्योहारों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय व मेरे द्वारा और साथ में एसीपी सिविल लाइन और सिविल लाइन थाने की फोर्स द्वारा जो है यहाँ पे फुट मार्च किया गया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में। ये त्यौहार जो हमारे आगामी आने वाले हैं, दशहरा आने वाले, उसके बाद दिवाली आने वाली है, इसके चलते जगह जगह पे जो है दलों के जुलूस निकाले जा रहे हैं और बाज़ार में जो है शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। उनमें सुरक्षा का भाव जगाने के लिए और सभी लोगों से वार्ता करने के लिए जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो सब जानने के लिए जो है उच्च अधिकारीगण द्वारा यहाँ पे आज फुट पेट्रोलिंग का जो है ये आयोजन किया गया है।